दोस्तों, आवासीय यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कि हमने बनाया अस्थाई निवास का, लेकिन बन के आ चुका है अस्थाई का। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के स्टार्ट टू एंड तक बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र घर बैठे अप्लाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बिल्कुल केयरफुली बने रहिए, आप बीच से ही स्किप करके चले जाते हैं जिसके कारण आपको जो है फॉर्म भरने में समस्याएँ क्रिएट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च इंजन में आपको टाइप कर देना है serviceonline.bihar.gov.in और टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर लगाएंगे तो आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब कुल मिलाकर के दोस्तों, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, तो इस साइड जो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक करना है और आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक कराते हुए अंचल स्तर पर क्लिक करा देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कराएंगे आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको बिल्कुल केयरफुली डाटा को फिल करना है। तो चलिए अंचल स्तर पर क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते हैं दोस्तों, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बारीकी से समझना है कि आखिरकार इसे भरना किस प्रकार से है। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फॉर्म ओपन हो चुका है, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए लिंक सेलेक्ट करेंगे कि क्या पुरुष का बना रहे हैं या फिर स्त्री का, तो वो चीज़ें सेलेक्ट करिए। अभिवादन में यहाँ पर अभिवादन को सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पर यदि मान लीजिए आप सूरज कुमार का बना रहे हैं तो इस प्रकार से सूरज और कुमार लिख करके स्पेस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। साथ ही इनके पिता का नाम यहाँ पर लिखिए, हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनके माता का नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी एप्लीकेंट है वो अपने माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे और इस साइड हिंदी में हो जाएगा। साथ ही यदि मान लीजिए किसी स्त्री का यदि आप बना रहे हैं और यदि वो शादीशुदा है यानी कि श्रीमती हैं, तो नॉर्मली उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है और ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। तो चूंकि हम पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष को सेलेक्ट करके श्री को सेलेक्ट करेंगे और हस्बैंड नेम वाले बॉक्स को खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई इशू आने वाला नहीं है। साथ ही आवेदक का मोबाइल संख्या, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखना है जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही डालिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे ही सर्टिफिकेट बनकर के तैयार होगा तो आपके मेल पे जो है वो सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो राज्य है आपका, वो राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही जिला को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस ज़िले से आते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए अनुमंडल, अनुमंडल में यहाँ पर क्लिक करा करके आप अपना अनुमंडल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि किस अनुमंडल से आते हैं। प्रखंड में किस प्रखंड से आप आते हैं उस प्रखंड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। साथ ही ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करिए, या फिर नगर निगम, या फिर नगर परिषद, या नगर पंचायत। तो ये आपको डिसाइड करनी है कि आप किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें सेलेक्ट करते हुए और यहाँ पे आपको वार्ड संख्या डालना है और साथ ही ग्राम पंचायत, जिस भी पंचायत से आप बिलोंग करते हैं वो पंचायत को सेलेक्ट करिए। साथ ही आप अपने गांव का नाम यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखिए। थाना को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डालना है। साथ ही एप्लीकेंट अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, यानी कि फोटो के ऊपर साइन होना चाहिए तिरछा, इसके बाद ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है फोटो का जो साइज होगा 30 KB से 50 KB के बीच का ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है। किस प्रकार से आपको फोटो का साइज बनाना है इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में वो चीज़ें देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप जो है केवी में कन्वर्ट करेंगे फोटो को। साथ ही आधार संख्या बोला जा रहा है तो आधार संख्या को खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे डालना अनिवार्य नहीं है। निवास का प्रकार, टाइप ऑफ रेसिडेंस में यहाँ पे आपको अस्थाई सेलेक्ट करना है और अस्थाई बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। अस्थाई को सेलेक्ट करेंगे। आवेदन का उद्देश्य, किस पर्पज़ से आप जो है ये फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे कि फॉर्म भरने हेतु फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्म भरने हेतु। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल करके प्रोसीड पे क्लिक कराएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि अस्थाई का बन जाता है, तो यहाँ पे आप जो है समस्या समझ लीजिए। यहाँ पे जो आप डिटेल्स डालते हैं ना पता वाले सेक्शन में, यहाँ पर वो पता आपको डालना है जो आपका अस्थाई पता है। तो ध्यान रखना है अस्थाई पता को ही यहाँ पर आपको डालना है। अस्थाई पता यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका पता यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक कराएंगे यानी कि प्रोसीड पे क्लिक कराएंगे तो आपसे आधार कार्ड अपलोड करने को बोला जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एक ही पेज पे आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड का आधार कार्ड एक साथ संलग्न कर लेना है और इसके बाद जो है आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि जो आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे वो JPEG या फिर PDF में होना चाहिए, जो कि 2 MB से नीचे का होना चाहिए। इसके बाद ही ये फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो PDF है इसका साइज 2 MB से नीचे का ही रखना है और आपको यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन एक ही पेज पे फ्रंट और बैक दोनों साइड का आधार कार्ड यहाँ पे आपको स्कैन कर लेना है।
इतना कुछ करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कराएंगे तो आपके सामने जो है इसका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना है और जनरेट होने के बाद लगभग 9 से 10 दिन के बाद आपका अस्थाई पता का जो है आवासीय प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेरी और है कि मान लीजिए आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस है और यहाँ पर हमने अस्थाई एड्रेस कहीं और का डाला है तो यहाँ पर रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अप्लाई करने के बाद आधार कार्ड फ़ोटो और जो आपके अस्थाई पता का कोई भी एक एड्रेस प्रूफ है, कोई पता का प्रूफ है जिस पे दर्शाया गया है अस्थाई पता, तो वो प्रूफ लेकर के आपको ब्लॉक पे विजिट करना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद आपको सीओ के पास जो भी सीओ हैं उनको दिखाना पड़ेगा, साक्ष्य होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ कि देखिए हम यहाँ का अस्थाई निवासी हैं, तभी जा करके आपका अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बन पाएगा। तो इन बात को खास तौर पे ध्यान रखना है कि यदि आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज है और आपने अपलोड कर दिया है कहीं और का एड्रेस और साथ में जो अस्थाई एड्रेस में आपने डाला है वो अपने गांव का या फिर घर का एड्रेस आपने डाला है तो यहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो इन बातों को खास तौर पर ध्यान में रखिए, आपको एक बार ब्लॉक पर ज़रूर चला जाना चाहिए और या तो यदि आप सीओ के पास नहीं पहुँच पाते हैं तो आप वहाँ पर जा करके पता लगाइए, जो भी आरटीपीएस काउंटर है वहाँ पर जा करके आप जो भी आरटीपीएस काउंटर पे बैठते हैं उनसे आप बात करिए, आपका एप्लीकेशन 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं।